हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बोला था कि क्वेश्चंस को कैसे रिपोर्टेड स्पीच में कन्वर्ट किया जाता है उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा। आज उसके ऊपर हम बात करेंगे, क्वेश्चंस इन रिपोर्टेड स्पीच, क्वेश्चंस को कैसे बदला जाता है। ये थोड़ा अलग है, जैसे कि नॉर्मल सेंटेंसेस अगर रहेंगे, डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस रहेंगे अलग, एक्सक्लेमेटरी भी रहेंगे एडवाइस, उसको चेंज करना थोड़ा अलग है, लेकिन ये थोड़ा सा अलग है। ध्यान से देखिए, एग्जाम्पल्स के जरिए मैं समझाऊंगा। मानव सेड टू हिज ब्रदर, वेयर आर यू गोइंग। ये जो रिपोर्टेड वर्ड्स पार्ट है, ये एक क्वेश्चन है, यहां से यहां तक। इट इज ए क्वेश्चन, डब्ल्यूएच क्वेश्चन। डब्ल्यूएच क्वेश्चन का दो एग्जाम्पल्स और एस एन ओ क्वेश्चन का दो एग्जाम्पल दिया गया है। मानव सेड टू हिज ब्रदर, मानव उसके भाई को पूछा, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहां जा रहे हो। उसको क्या करना है, यहां लास्ट में लिखा गया, देखियो, देखिए, कन्वर्ट द क्वेश्चन इनटू डिक्लेरेटिव फॉर्म। इसके लिए, क्योंकि हर एक रिपोर्टेड स्पीच या हर एक रिपोर्टेड सेंटेंस एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है, उसके वजह से उसमें ना कोई एक्सक्लेमेटरी मार्क लगता है, ना क्वेश्चन मार्क, ना कुछ लगता है, बाकी बल्कि खाली लास्ट में एक फुल स्टॉप लगाया जाता है। उसके कारण हमें क्या करना है, सबसे पहले वो क्वेश्चन को डिक्लेरेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तब जाके हम उसको रिपोर्टेड में हम बदल सकते हैं। तो मैंने क्या किया, वेयर आर यू गोइंग को क्या कर दिया, वेयर तो रहेगा ही, वेयर रहेगा, ध्यान से देखिए, आर यू गोइंग को मैंने बना दिया यू आर गोइंग, यू आर गोइंग। देखिए, वेयर को मैंने बाद में बिठाऊंगा, यू आर गोइंग। तो अभी इसको क्या करेंगे, मैंने इसको डिक्लेरेटिव में कन्वर्ट कर दिया। अभी क्या करेंगे, मानव आस्क्ड हिज ब्रदर वेयर, वेयर तो जैसे ये जैसे कि वैसे रहेगा, इसको नहीं बदलेंगे आप लोग। ही वॉज गोइंग, ही कैसे हो गया, यू के लिए कभी कभार आई वी यू ही शी दे हो सकता है, मैंने दिया था लिस्ट में। यहां पर मानव सेड टू हिज ब्रदर, ब्रदर जो है इसके लिए ये यू हो गया ही, और ही के पास तो आर तो वेयर होना चाहिए आर का, लेकिन वेयर तो नहीं हो सकता, ही के पास वाज बैठेगा, ही वाज गोइंग, और इसका हो गया मानव आस्क्ड हिज ब्रदर वेयर ही वाज गोइंग। यहां जो सेड जो ये आस्क्ड में बदल गया क्योंकि ये क्वेश्चन है। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, My friend said, मेरे दोस्त ने बोला, When did you return last night? When did you return last night? तो इसको पहले अगर हम declarative में चेंज करेंगे, क्या करेंगे, When तो रहेगा ही, जैसे when रह गया, did you return को हम declarative में positive में करेंगे तो you did return या फिर you returned, you returned last night, ये last night ऐसे ही है, you returned। ध्यान से देखिए, ये past simple form में है, और हमें पता है अगर direct speech past simple form में है तो उसको reported में past perfect में बदला जाता है। तो कैसा हो गया, my friend asked, said की जगह पर asked, when I had returned the previous night, last night हो गया the previous night। तो ये I, you returned, you के जगह पर I बैठ गया, returned ये जो past simple है हो गया had returned, I had returned। Next example, the teacher said, have you done your homework? इसको क्या करेंगे, पहले declarative में करने के लिए you have done हो जाएगा, you have done, यहां पर लिख रहा हूं, you have done, ये question है, तो you have done हो गया हमारा। The teacher asked if or whether, मैं किया था कि नहीं, if यदि, तो you हो गया I, have हो गया had, done तो done है, if or whether I had done my homework। ध्यान से देखिए, जहां पर ज्यादातर yes or no question पूछा जाता है वहां if या whether यूज किया जाता है, नहीं तो ज्यादातर to, नहीं तो that, हम पहले पढ़ चुके हैं, to that लगाया जाता है, लेकिन एस और नो क्वेश्चन के क्वेश्चन रहने से ये जो थर्ड स्टेप में पहले सेड को चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब को, फिर पंक्चुएशन मार्क रिमूव करेंगे, थर्ड स्टेप का जो है टू दैट इफ वेदर,
एसन क्वेश्चन के लिए हम ज्यादातर इफ इफ या वेदर लगाते हैं। तो ये हो गया द टीचर आस्क्ड इफ और वेदर आई हैड डन माई होमवर्क। नेक्स्ट फादर सेड टू मी, पापा मुझे बोले डू यू नो हिम। इसको अगर हम डिक्लेरेटिव में करेंगे यू डू नो हिम, मैं इसलिए इसे रखा यू डू नो हिम इज इक्वल टू यू नो हिम भी होता है, यू नो ऐसे भी होता है, लेकिन मैं ऐसे अभी इसके लिए रखा। ध्यान से देखिए, इसको हम चेंज करेंगे। अभी मैंने इसको पहले डिक्लेरेटिव में चेंज किया, जो हमारा रूल के हिसाब से डिक्लेरेटिव में चेंज करके फिर चेंज इनटू रिपोर्टेड स्पीच। फादर आस्क्ड सेड हो गया, आस्क्ड मी, ई फॉर वेदर लगाया गया, यू हो गया आई, डू हो गया, ध्यान से देखिए डू हो गया डीड, आई डीड नो, डू को डीड करना है ना, डीड नो इज इक्वल टू न्यू, आई डीड नो हिम, यही सेंटेंस को नीचे लिखा गया आई न्यू हिम। फादर पापा मुझे पूछे कि मैं उसको जानता था क्या, मैं उसको जानता था क्या। मेरे ख्याल से आप लोगों ने समझ गए हैं दो डब्ल्यू एच क्वेश्चन और दो एस एन क्वेश्चन के जरिए, इट इज सफिशियंट टू अंडरस्टैंड। इस जैसा जितने सारे भी क्वेश्चंस आए आपको एक ही तरीका अपनाना है, क्या, पहले उसको डिक्लेरेटिव में कन्वर्ट करना है क्वेश्चन को, फिर जाके रिपोर्टेड स्पीच में आप उसको करना। अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करते रहोगे तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, डिक्लेरेटिव में कुछ कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, आपके दिमाग में डायरेक्ट स्पीच आए तो आपको ऐसे चुटकी मार के वो इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, दिमाग के अंदर ही, और फटाफट इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, एंड ऑल ऑफ यू, आई विश ऑल ऑफ यू हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी एंड प्रॉस्परस न्यू ईयर। मैं अभी तक आप लोगों ने, जितने सारे लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए उन लोगों को मैं सलाम करता हूँ, और छोटे बच्चों को मैं भगवान से उनके लिए आशीर्वाद मांगता हूँ, मेरे तरफ से बहुत सारा प्यार है। और मेरे वीडियोस देखते रहिए, और ज़्यादा से जितना व्यू बढ़ेंगे और जितना शेयर आप करते रहेंगे, जितना सब्सक्राइबर्स बढ़ते रहेंगे, मेरे अंदर उतना हौसला मिलेगा मुझे वीडियोस बनाने के लिए आप लोगों के पापा के लिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।